अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक ठाक होंगे जी। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं वन वाईफाई नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। व्यूज़ जो आते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दूसरा ये बात, मैं कोई 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग 3 मिनट देखते हो, तो मैं फिर आज के बाद ऐसे ही करूँगा कि दूसरे यूट्यूबर की तरह वीडियो को शार्ट ही बनाया करूँगा तेज़ फॉरवर्ड करके। यार मैं जो 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ वो मैं 4, 5, 8 मिनट के अंदर भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ सही बारीकी से। तो आप लोग यार वीडियो एक 3 मिनट देखते हो, दूसरा हद कोई 1.5 मिनट देखता है, और दूसरा ना वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। और सब्सक्राइबर मेरे 419 है अभी और व्यूज़ मेरे 47-48 हज़ार टोटल हो गए। तो गुजारिश है कि ये वीडियो जितने भी देख रहे हैं मेरे भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों आज फिर मैं आपको वही अलहदा सबसे बता रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे आगे नहीं अपलोड हुई, अपलोड हुई है लेकिन ये लंबी चौड़ी सेटिंग सब लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सेटिंग बताऊँगा। तो क्या ये मतलब ये राउटर है टेंडा का, ये मैंने रिपीटर के ऊपर से स्पीड कैच की हुई वाईफाई, और ये PDCL का हमने इसको वाईफाई, ये मॉडम है, इसको हमने राउटर में कन्वर्ट करना, जैसे TP-Link राउटर वगैरह एक्सेस पॉइंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। तो काफ़ी लोग लंबी चौड़ी सेटिंग बताते हैं लेकिन मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा जो आगे यूट्यूब पे ऊपर अभी तक नहीं है, कोई आपको ऐड करने की एथ करने किसी के ऊपर एथ की फाइल ऑप्शन नहीं है, कोई चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊँगा वो बिल्कुल आसान और सिंपल है। तो अपने वीडियो को फुल वॉच करना है, और वीडियो को वॉच करने से पहले आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। तो दोस्तों ये है मेरे पास टेंडा N150, इसकी भी रिपेयर की एक बार मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ये आपने मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। तो ये मेरे पास है PDCL का, अभी ये मैं इसके अंदर नहीं लगाऊँगा क्योंकि अभी इसकी सामने कन्फिग्रेशन करनी है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी अभी ऑन हो चुका है, आपको ब्राइटनेस ज़्यादा की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं बाकी आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सेटिंग दिखाता हूँ, तो चले हम लैपटॉप के ऊपर चलते हैं जी। तो दोस्तों जी हम अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अभी आपने क्या करना है कि अपने PDCL का जो मॉडम है पहले उसको कनेक्ट कर लेना है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आपने गूगल पे आकर इसका IP एड्रेस लिखना, मैं लिखता हूँ ये मैंने इसका IP एड्रेस लिख लिया है। अभी ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, मैं इधर इसका यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, जो आपका बाय डिफॉल्ट है आप लगा लें। सॉरी जी। तो दोस्तों ये मैंने भी लगा लिया है एडमिन पासवर्ड, ये मैं इधर से सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले अभी तो हम करते हैं दूसरे यूट्यूबर्स की बात, ठीक है। अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं हुई है, एडवांस सेटअप पे आ जाएं, वैन सर्विस के आ जाए ऊपर आ जाएं, ये देखें सारी मौजूद हैं। वो क्या करते हैं कि इन सब को आपने टिक करके डिलीट करना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। उसके बाद वो फिर जाते हैं Layer 2 Interface पे, ठीक है, Layer 2 Interface पे इधर आगे Layer 2 Interface पे Layer 2 Interface पे आने के बाद जी। तो फ्रेंड्स ये मैंने ये सर्कल मार्क लाए हैं इसलिए वीडियो स्टॉप की थी ताकि आपको सही समझा सकूं। ये देखें जी कुछ लोग करते हैं इधर Eth Interface पे, ठीक है, जिनके ऊपर ये नहीं है उस पर करते हैं PTM Interface पे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या करते हैं, ठीक है। इधर जाएंगे Eth Interface पे, इधर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये Eth 0 पे रखेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर जाएंगे वैन सेट सर्विस के ऊपर, फिर जाके इधर से ये सब को रिमूव करेंगे, फिर ऐड पे करेंगे, फिर वो इधर से वो Eth 0 वाला सिलेक्ट करते हैं। अगर Eth वाला जिसके ऊपर ऑप्शन नहीं उस पर ये PTM 0 वाला करते हैं। ये कैसे करते हैं, इन सब को आप लोगों ने रिमूव करना है, और उसके बाद आपने
एटीएम इंटरफेस पे आना है, ये सब चिक मार लगा रिमूव करने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं दूसरे यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा उन्होंने गलत गाइड किया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, जैसे कह रहा हूँ। और पीटीएम इंटरफेस पे जाके वो फिर ये इसको ख़त्म नहीं करना, ये रहने देना। लेकिन फ्रेंड्स, मैं जो आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो कोई ऐसा तरीका नहीं, ना हमने इस एथ इंटरफेस को छेड़ना है, ना हमने वैन सर्विस पे कोई चीज लगानी है, ना इसको कट करना है। सिर्फ बिल्कुल आसान सा सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। कुछ भी नहीं आपने करना, सबसे पहले आप आईपी एड्रेस चेंज कर लें, वो भी अगर आप पीटी सेल के साथ अटैच कर रहे हैं तो फिर आपका वो मैच हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप अपना कहते हैं ना वो पेशा बना लें कि आप जब भी इसकी सेटिंग करनी है आईपी एड्रेस लाजमी चेंज कर लें। ये करके ऐसे ये मैंने आईपी लगा ली है, ठीक है। ये मैंने अभी आईपी लगाई है, अभी ये देखें लग गई है। अभी उसके बाद आपने नीचे आना है, अप्लाई सेव पे कर क्लिक कर देना है। अभी मेरा इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट होगा, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आगे का क्या स्टेप है। कि ये किसी यूट्यूबर के या किसी के बारे में वो गलत बात नहीं कह रहा, मैंने ये कहा है कि जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो अलग है, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा थंबनेल भी बिल्कुल रियल होता है, मैं कोई थंबनेल भी है जो फेक वगैरह नहीं बनाता, जो मैं लिखता हूँ वो कुछ होता है। अच्छा जी, तो अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है कि यार कम से कम 1000 तो कंप्लीट करवाएं ना, आपकी मेहरबानी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप इतना भी नहीं करते कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने 2.1 लगाया था, वो हमने इधर से लगा लेना, 2.1 करके एंटर करेंगे। ये भी ओपन हो चुका है, इधर मैं इधर का लॉगिन पासवर्ड लगाता हूँ, सॉरी एडमिन, और नीचे जो बाई डिफॉल्ट है ये आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी मॉडम रीसेट था, ये भी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन ये उधर ही है, एडवांस सेटअप एंड सर्विस ये भी सब उधर ही है, देखें आप लोग। इसी चीज़ को मैंने नहीं छेड़ा, अभी ये हो चुका है, ये सब को हमने किसी को ऐड वगैरह नहीं करना, सिर्फ आपने जाना लैन सेटिंग पे, लैन पे जाकर आपने इधर इसको कर देना है, DHCP को डिसेबल बस करना है, आपकी यही सेटिंग है बस। अगर ये भी ना करें फिर भी वो उठा लेता, लेकिन वो मसला करेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें आप, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। इसके ऊपर क्लिक करके बस आपने इधर से अप्लाई एंड सेव करना है। लैपटॉप के ऊपर हमारी इतनी सेटिंग है, कोई दोस्त ये ना कहे कि इसके ऊपर वर्क नहीं करता, ये भी मैंने इधर से किया है। अभी मेरे भाई, मैं कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं बताता, कुछ लोग सोचेंगे यार भाई ने इधर से वीडियो स्टॉप की है और जाके जैसे ही हमें मॉडम दिखाया तो इसने सेटिंग चेंज कर ली है, खुदा गवाह है। लेकिन आप लोग ये करके देख लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, कोई आपने ये वैन सर्विस वाली ये एथ इंटरफेस को आपने छेड़ना नहीं, डायरेक्ट इधर आए, आईपी अगर आपकी दूसरे मॉडम से मैच होती है चेंज कर लेने, तो यही रहने दें। आपने इधर से इसको डिसेबल करना है बस, DHCP को डिसेबल किया, ठीक है। अभी एक बार मैं राउटर को इधर से मॉडम को रिबूट करता हूँ, ठीक है। ये अभी राउटर बन चुका है, अभी हम ये इतनी देर राउटर ऑन होता है, फिर आपको मैं उधर उसकी वायर लगा के फिर इसको दोबारा आपको कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आया कि मेरा ये राउटर मॉडम जो है राउटर में कन्वर्ट हो चुका है या नहीं। और आपके सामने है जो मैंने सेटिंग की है, इसके अलावा मैंने कोई सेटिंग नहीं की, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जिस राउटर के साथ मैंने इसको अटैच करना है, ये रिबूट हो रहा है, वो उसका नाम है टेंडा का है, उसको मैंने रिपीटर मोड के पेपर पर सेट किया, वो जिस तरह मर्जी हो, हमने इससे लेना है इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अभी मैं इसको वाईफाई, ये देखें वाईफाई डिस्कनेक्ट हुई, अभी दोबारा कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये है वो मेरा टेंडा का, आपको उसकी भी सेटिंग दिखा दूं ताकि कोई दोस्त ये ना समझे, ठीक है। ये उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। ये उसकी है यार, ये देखें अभी मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, इंटरनेट वैसे हमारा काफ़ी स्लो है लेकिन चले चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो
तो वीडियो को आपने बोर नहीं होना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूँ, वरना मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। तो मैं गुजारिश है कि वीडियो को फुल देखा करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, और चैनल को गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये भी हमारा ये देखें लॉगिन, तो यूट्यूब ओपन हो चुकी है ये। इसकी मैं आपको आईपी एड्रेस भी ओपन करके दिखाता हूँ, जो मेरे पास स्टैंडर्ड राउटर लगा हुआ है 0.1, ये वो काफ़ी पुराना मॉडल है ये। इसकी मैंने रिपेयर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, डेड रिकवर, उसको अगर आपने नहीं देखा देख लें अभी। ये देखें जी, ये मैंने इसको रिपीटर मोड के ऊपर पहले सेट किया हुआ है, ताकि इससे मैंने कनेक्शन लिया है इधर से आगे वायरलेस एक्सटेंडर से, यहाँ से मैंने इसको रिपीट किया हुआ। अभी इसके साथ हम वायर लगाएंगे और इसको भी हम वायरलेस राउटर बनाएंगे। तो चलें हम अभी चलते हैं, हमारा मॉड पिट सेल मॉड ऑन हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की मोबाइल की स्क्रीन पे, और फिर आपको दिखाते हैं कि हम राउटर की बाकी की सेटिंग को। तो दोस्तों ये अभी मैं अपने क्या नाम है मोबाइल के कैमरा के ऊपर आ चुका हूँ। अभी ये देखें, ये हमारा राउटर है जो मेन है, जिस समय वाईफाई रिपीटर को सेट करना, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको कम करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारा राउटर अभी इस टाइम कनेक्ट है। ये अभी हम वायर इसको लगाएंगे, ठीक है। अभी मैंने वायर नहीं लगाई, अभी सिर्फ ये लाइट और ये लाइट है, ये मैं आपको इसके ऊपर दिखा देता हूँ। ये भी देखें, ये भी हमारा जो पीटीसीएल का मॉडम है, ये तब तक कनेक्ट नहीं होगा जब तक ये वायर नहीं लगनी, क्योंकि हमने इसके DHCP डिसेबल की है और कोई सेटिंग नहीं की। अभी ओपनिंग आईपी एड्रेस पे अभी मैं इसको ये वायर लगाता हूँ, ठीक है। ये मैं वायर लगानी है, ये मैंने 2 के ऊपर लगाई है। आप जितने मर्जी लगा लें, 1 पे लगाएं, 2 पे लगाएं, मैं जिधर कहते हैं मैं उधर लगा देता हूँ, कि मैं 4 पे, 3 पे लगा, इधर लगा लें। अभी लग चुकी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस मॉडम को ऑफ नहीं करते, चले ऐसे चेक कर लेते हैं कि ये क्या काम करता है, ठीक है जी। और ये बटन प्रेस हो गया, वाईफाई ऑफ हो गया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें जी। तो दोस्तों अभी तक इसका नाम नहीं आया, वाईफाई तो ऑन हो चुकी है इधर से। यानी ये अब कितना टाइम लेगा, हम इसको ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, ये वैसे टाइम लेता है, लेकिन आप लोग फिर भी ये सोचते हैं यार वीडियो को स्टॉप किया, पता नहीं क्या किया। अभी मैं वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहा, तो फिर मेहरबानी है आपकी वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है, मुकम्मल। आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनती वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग सेटिंग, किसी के अंदर एथ का ऑप्शन नहीं, किसी के अंदर PTM कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है। आप DHCP को सिर्फ डिसेबल करें, अगर आईपी एड्रेस मैच होता है तो उसको चेंज कर लें, वरना रहने दें। सिर्फ आप वाईफाई के ऊपर जाएं, जाकर DHCP को डिसेबल करें, और आपका इंटरनेट बिल्कुल वर्क करेगा, कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने एक मॉडम के ऊपर नहीं, मेरे पास काफ़ी है, मैंने सब के ऊपर प्रैक्टिकल किया है। मेरे पास जितने भी हैं, ये भी हैं, मैंने सब के ऊपर करके देखा, ये सब के ऊपर जल्दी अभी ऑन हो चुका है। ये वाईफाई की लाइट नहीं ऑन हुई अभी, अभी ऑन हो चुकी है, अभी हम चेक करते हैं। ये भी ऑन आ चुका है वाईफाई, अभी चेक करते हैं। आपके सामने सिर्फ मैंने ये वायर लगाई हुई है, और उसकी आईपी एड्रेस है 0.1। कनेक्ट करें, ये देखें, ये देखें फ्रेंड, ये कनेक्ट हो चुका है, और ये देखें कि 0.1 IP शो हुई है। अभी मैं YouTube आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये देखें, ये 1 LAN to LAN लगा हुआ है। ये देखें, इसकी भी LAN है, LAN to
लैम, सॉरी। ये देखे हमारे माशाल्लाह बहुत प्यारे भाई हैं तनवीर भाई, उनकी वीडियो आ चुकी है फर्स्ट पे ऊपर, ठीक है। ये देखे हमारा इंटरनेट काफ़ी वर्क कर चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा कनेक्ट है, ठीक है। ये देखे हमारा पीटीसीएल का इंटरनेट वर्क कर रहा है, ये हमारा टेंडा का है, ये जो हमारा ये वाला है, ठीक है। ये भी कनेक्ट है, इसकी आईपी देखते हैं क्या आ रही है, 0.1। इसकी आईपी देखें, ये इंटरनेट, ये देखें कनेक्ट हो चुका, वरना अगर ये वायर ना लगती तो ये ओपनिंग आईपी एड्रेस करता, ये कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसको डीएससीपी हमने डिसेबल किया। और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये सेटिंग करें और इन्जॉय करें, और अपने भाई को दो में याद किया करें, ठीक है। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।